अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने नेट पे थोड़े से इसके सर्च की है, थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा, तो शायद मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई हो। जितना मुझसे हो सके मैंने तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैंने कहा आपको आपसे शेयर कर लूँ। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट एक स्कीम है, एक प्लान है गवर्नमेंट की तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तानी हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहते, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी आगे डिटेल की तरफ। लेकिन उससे पहले यूट्यूब का मेरा चैनल है क्लासिफाइड पाकिस्तान, इसको आप सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वेबसाइट है सब कुछ ऑनलाइन .pk, इसे भी एक बार विजिट कर लीजिएगा। आपको एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, मेडिकल, आईटी के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज और डेली बेसिस पे जॉब न्यूज़ वगैरह मिल जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले पहले मैं आपको बता दूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट स्कीम में, और गवर्नमेंट के पॉलिसी के मुताबिक उसके कुछ प्रॉफिट रेट्स हैं कि इस रेट्स पे आपको प्रॉफिट मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट जो है आपकी मुख्तलिफ बैंकों में होती है, मुख्तलिफ टेन्योर में, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, और इस तरह 3 साल तक, 5 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यानी वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो सबसे पहले अपना रोशन पाकिस्तान रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाएंगे किसी भी बैंक में, जिसने गवर्नमेंट ने स्टार्ट में तो 8 बैंक दिए थे, अल्फला बैंक, HBL, फैसल बैंक और मेजान बैंक, सांबा बैंक, जिसकी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपने रोशन डिजिटल अकाउंट बनाना है। उसकी डिटेल भी मैंने पिछली वीडियो में दी हुई है। जब आप अकाउंट बना लेंगे तो अकाउंट बनाने के लिए आपको फिजिकली बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन वेबसाइट पर फॉर्म फिल करके अकाउंट बना लेंगे। जैसे अकाउंट बनाएंगे तो फिर आपने उस अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, तो वो ट्रांसफ़र किया हुआ फ़ंड आप पाकिस्तान नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अकाउंट बना लेंगे उसका नेक्स्ट स्टेप है फ़ंड ट्रांसफ़र करना, और जब फ़ंड ट्रांसफ़र कर लेंगे तो उसका नेक्स्ट स्टेप है कि आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पर अप्लाई करेंगे, फिर टेन्योर सिलेक्ट करेंगे कि 3 महीने के लिए आप वो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, जितना भी आप अपनी मर्जी का टेन्योर सेट करें। उसके बाद फिर आपने अप्लाई कर देना है, तो इस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें आपके जो फंड है वो उसमें इन्वेस्ट हो जाएगी इस स्कीम में, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। अगर आप 3 महीने से पहले पहले अपनी अमाउंट विदड्रा करवाते हैं तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और अगर आप 3 महीने के बाद विदड्रा करवाते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जो 3 महीने पे परसेंटेज तय होगा इस स्कीम में वो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये व्हाट इज नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको डिटेल बताई कि उन लोगों के लिए ये स्कीम है जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और पाकिस्तान से गए हुए हैं। ठीक है, तो वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के अप्लाई करेंगे और अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे इस स्कीम में, तो पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक उनको प्रॉफिट मिलता रहेगा 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, एनुअल बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये डिटेल मैंने इंग्लिश और उर्दू में भी टाइप की है ताकि वो दोस्त जो इंग्लिश सही नहीं समझते तो वो यहाँ पे उर्दू में भी रीड कर सकते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के बारे में। मैं दोबारा बता दूं, ये स्टार्ट में तो 8 बैंक ये स्कीम दे रहे थे, जिसमें मेजान बैंक नहीं दे रहा था, वो इस्लामी शरह की वजह से, तो आप
मेरे ख्याल में उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है। की फीचर इसमें क्या है, आप जो अप्लाई कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं वो मल्टीपल करेंसी में कर सकते हैं, यानी आप अपने अकाउंट रोशन डिजिटल अकाउंट PKR में ओपन करवाया है, US डॉलर में करवाया है, ये करेंसीज हैं। इन करेंसी में अगर आपके पास अमाउंट है तो आप पाकिस्तान में इस स्कीम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से बाहर बैठकर। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हैं, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 3 साल, 5 साल, ठीक है। और फुल्ली एंड ईजली रिपीट अवेलेबल, ये क्या है कि आप मुकम्मल किसी भी वक्त आसानी से बाहर बैठ के पाकिस्तान से पैसा वापस रिफंड करवा सकते हैं, कोई ज़कात की कटौती नहीं है इस पर, ठीक है। ये इसके की फीचर्स हैं टोटल, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। और अप टू 11% तक इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वही चीज यहाँ पे मैंने उर्दू में बताई है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 3 साल, 5 साल, ज़कात की कटौती नहीं होनी और 11% तक प्रॉफिट होगा। ये मेन इसकी खसूसियात हैं। जब आप बाहर बैठ के रोशन डिजिटल अकाउंट आपने ओपन करवा लिया और उसमें फंड ट्रांसफर कर लिया और उस फंड को आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में अप्लाई कर दिया है, आपने इन्वेस्ट कर दिया है, तो आपको इस रेट्स पे, इस टेन्योर पे प्रॉफिट मिलेगा। ये प्रॉफिट रेट्स हैं 3 महीने के बाद, 3 महीने से पहले नहीं, 3 महीने के बाद से ये प्रॉफिट स्टार्ट हो जाते हैं। ये ऊपर करेंसी है और नीचे प्रॉफिट रेट्स हैं। और ये टेन्योर हो गया, मैक्सिमम टेन्योर जो 5 ईयर्स है, PKR 11% उस पर दे रहा है और 5 ईयर्स पे US डॉलर 7% दे रहा है, ठीक है। और 3 मंथ पे 9.5 है और US डॉलर 5.5% है, ये 3 मंथ पे है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए, करेंसी ये होंगी मैंने आपको बता दिया है। और मिनिमम जो है वो आपके पास $5,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट डॉलर में ओपन करवाया हुआ है आपने। तो जब आपने $5,000 फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, तो जो आपकी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी वो मिनिमम $1,000 की होगी, यानी 100, 200, $300 पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मिनिमम इन्वेस्टमेंट $5,000 और नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट $1,000। और इसी तरह अगर आपने अकाउंट PKR में, यानी पाकिस्तान रुपीज में ओपन करवाया हुआ है, पाकिस्तान का जो अकाउंट है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, रोशन डिजिटल अकाउंट, अगर आपने PKR में ओपन करवाया है तो कम से कम जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो 1 लाख की होगी और जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी वो 10,000 की होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में नहीं रहते, बैरून मुल्क रहते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और पाकिस्तानी शहरी जो कि डिक्लेयर कर सकें अपने एसेट्स, अपना सरमाया बैरून मुल्क में। ये 2 कैटेगरीज हैं जो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में है, हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन, अब नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट में कैसे अप्लाई इन्वेस्ट करना है। मैंने आपको तरीका बताया पहले ही कि आपने सबसे पहले रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करना है, अपना बैंक सिलेक्ट करके और फंड ट्रांसफर करना है रोशन डिजिटल अकाउंट में। उसके बाद फिर आपने ऑनलाइन ऑप्शन सिलेक्ट करना है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का और अपने डिपॉजिट जो अमाउंट है वो उसमें इन्वेस्ट कर देनी है, यानी और सिलेक्ट करके, ठीक है। ये कुछ उर्दू में ब्रोशर मैंने आपके लिए रखा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी के लिए बेहतरीन मौका सरमायाकारी का, अमरीकी डॉलर और पाकिस्तान रुपीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
अब आ जाते हैं कि प्रॉफिट कंपेयर करते हैं अमेरिकन बैंक एंड नया पाकिस्तान स्कीम के दरमियान। अब देखें, अगर आप $10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो अमेरिकन जो है वो $18 देंगे 3 साल के लिए प्रॉफिट। दोबारा देख लें, अगर आप अमेरिकन बैंक में इन्वेस्ट करते हैं $10,000 तो 3 साल का जो प्रॉफिट है अमेरिका में वो $18 है। और इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट में $10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 साल में जो प्रॉफिट है वो $2,000 होगा। अब कंपेयर कर लें खुद, $18 और $2,000 कितना डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के कुछ डिटेल मजीद मैंने यहाँ पे आपके लिए रखी है। सर्टिफिकेट डिफरेंट एनुअल 3, 6, 12 मंथ, ठीक है, रिस्क फ्री रिटर्न्स है और सिंपल टैक्स है, शराय कंप्लाइंस है और बिरन मुल्क बैठ के भी आप पैसा अपना रिफंड करवा सकते हैं और नो टैक्स है, ओनली 10% विद होल्डिंग टैक्स है। 5 ईयर प्रॉफिट में अब देखें कि लोकल बैंक दे रहा है आपको 5%, जो पाकिस्तानी बैंक है अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो 5% आपको देता है, और अगर हम नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में अप्लाई करते हैं तो वो हमें 11% तक प्रॉफिट देता है। जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि 11% तक हम प्रॉफिट ले सकते हैं इसमें अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ठीक है, अब टैक्स पे आ जाते हैं कि अगर हमारे पास हमने 5 लाख का प्रॉफिट हमने लिया है किसी भी चीज में तो फाइलर के लिए 15% टैक्स होता है। 5 लाख प्रॉफिट पे फाइलर के लिए 15% प्रॉफिट होता है और 5 लाख पे नॉन फाइलर के लिए इसका डबल हो जाता है टैक्स। इसी तरह जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का जो टैक्स है वो फिक्स कर दिया गया है 10% पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे मैं अपनी स्लाइड को कंप्लीट करूंगा। उम्मीद है आपको मेरे कलेक्ट किया हुआ डाटा और डिटेल आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं आपको दोबारा बता दूं कि YouTube पे मेरा चैनल है क्लासिफाइड पाकिस्तान, उसको आपने सब्सक्राइब कर देना है, और मेरी वेबसाइट है सब कुछ ऑनलाइन .pk, उस पर जाके आपने भी सब्सक्राइब कर देना है अपना ईमेल टाइप करके। इस स्कीम से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप स्टेट बैंक से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने सिलेक्टेड बैंक से भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और या आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में अगर कोई और आराज सब में तजवीज से कभी किसी टॉपिक के बारे में आपने वीडियो लेनी हो तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा दूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।